जी, तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ आते हैं। और जैसे हमने पढ़ा था, इसमें मेन हेडिंग होगी हमारी नॉन करंट एसेट, एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आएगी, ये जो कैरिंग अमाउंट आ रही है 1004,000, दिस वन, ठीक है जी, ये है कॉस्ट मॉडल। तो अगर आप इसमें गौर से देखो तो इसमें कतन कोई फर्क नहीं है इस मॉडल में और रीवैल्यूएशन कॉस्ट मॉडल जो IAS 16 में पढ़ा था। अब आइएगा, इफ द कंपनी इज यूजिंग द फेयर वैल्यू मॉडल, अगर कंपनी फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रही है, फेयर वैल्यू मॉडल, तो फेयर वैल्यू मॉडल में क्या डेप्रिसिएशन मैं इस साल की रिकॉर्ड करूंगा? एनी स्टूडेंट? नो सर, नो नो सर, सर, नो सर, अच्छा, इस साल की डेप्रिसिएशन मैं लाजमन रिकॉर्ड करूंगा। देखें, अब आपने यही पॉइंट जरा गौर से देखिएगा, ऊपर आइएगा, मैंने क्या लिखा है कि ये जो मैंने यहां डिफरेंस लिया था, यहां लिखा था नो डेप्रिसिएशन, याद रखिएगा, ये बिल्कुल नो डेप्रिसिएशन होगी। लेकिन ये नो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि वंस अ फेयर वैल्यू मॉडल इज चूजन, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि मैं फेयर वैल्यू मॉडल साल के एंड पे चूज कर रहा हूं। जब साल के एंड पे चूज कर रहा हूं तो पहले कैरिंग वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन में गौर से देखिएगा, यहां लिखते हैं एट द एंड ऑफ ईयर वन द प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू हैज राइजन टू 1.3 मिलियन, यानी एक साल के एंड के बाद आपकी जो फेयर वैल्यू है वो बढ़कर 1.3 होगी। तो पहला साल फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है, इससे आगे फिर फेयर वैल्यू मॉडल होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले सेम यही प्रोसेस करूंगा जो कि हो चुका है। तो मैं कैरिंग वैल्यू लेता हूं पहले, जो आप कैलकुलेट कर चुके हो, यहां तक आएगा वैल्यू, डेप्रिसिएट होगा। हाँ, याद रखिए, अब ये पहला साल है, दूसरे साल फिर डेप्रिसिएशन नहीं होगी। यू गॉट माई पॉइंट? यस सर, ठीक है, अच्छा, अब कैरिंग वैल्यू को मैं कंपेयर करता हूँ किसके साथ? फेयर वैल्यू के साथ। क्वेश्चन में देखें, उसने लिखा है जी कि फेयर वैल्यू जो है वो 1.3 मिलियन। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, क्या मैं इसको फेयर वैल्यू गेन कहूं या लॉस कहूं? टेल मी। यस, गेन और फेयर वैल्यू गेन जो है दैट इज 296,000, दिस वन, ये 296,000 मेरा फेयर वैल्यू गेन आ गया। अब जब मैं एक्सट्रैक्ट में आऊंगा, इस साल के एक्सट्रैक्ट में, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ SOSCI, डेप्रिसिएशन इस साल की आएगी, लेकिन इसके साथ आप लिखोगे फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और फेयर वैल्यू गेन जो अभी आपने कैलकुलेट किया है 296, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, अल्टीमेटली ये वही अमाउंट आ रही है, ठीक है। और SOFP में जब आप जाएंगे, इसी को कॉपी करते हैं, SOFP का जब एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है एग्जैक्टली इक्वल होगी फेयर वैल्यू के, ठीक है जी। मैं इसी को जरा एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं फेयर वैल्यू मॉडल में। मैं कहता हूं कि लेट्स अज्यूम द फेयर वैल्यू हैड इंक्रीज्ड टू रुपीज 1.4 मिलियन इन ईयर टू, एट ईयर टू एंड, यानी दूसरे साल के खत्म होने पर जो फेयर वैल्यू है, ये मैं रेड कर रहा हूं क्वेश्चन में, वो 2 मिलियन पे चली, 1.4 मिलियन पे है, ठीक है। अब देखें, इसी को कंटिन्यू करता है, जब नेक्स्ट ईयर आएंगे तो चूंकि अब तो रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो मेरी कैरिंग वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू मॉडल है, कैरिंग वैल्यू आप बताओ कितनी होगी मेरी बुक में? सर 1300 जो बुक वैल्यू है, जी बुक वैल्यू, वही 1300 फेयर वैल्यू थी, वो बुक वैल्यू हुई ना। अब इसके बाद मैं इसको डेप्रिसिएट नहीं करूंगा। अब याद है, अब समझ आई वो जो ऊपर मैंने कहा था नो डेप्रिसिएशन, अब ये डेप्रिसिएशन नहीं होगा। अब सीधा इसकी फेयर वैल्यू पे लाता हूं, फेयर वैल्यू इसने कहा जी 1.4 मिलियन है, ठीक है। तो अब ये अगेन फेयर वैल्यू गेन आ गया, और फेयर वैल्यू गेन जो है वो मेरा 1.4
1 million, 100,000 है, that is fair value gain. तो पिछले सर अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल स्टार्ट ऑफ द ईयर में होता तो फिर डेप्रिसिएशन तो पहले साल की भी ना होती. नहीं होती, फिर ना होती. एग्जैक्टली. जब आप स्टार्ट से ही ले लेते हो ना फेयर वैल्यू मॉडल, जैसे बिल्डिंग खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना हम, और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसलिए कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए है, तो जिस दिन मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाऊंगा वो फेयर वैल्यू पर होगी और उसके बाद फिर डेप्रिसिएट नहीं होगी. राइट, क्लियर हो गई मेरी बात? ये तो मैं ले रहा हूँ ना चेंज का, यहाँ कॉस्ट से मैं फेयर वैल्यू में आया हूँ, लेकिन अब फेयर वैल्यू से कॉस्ट में नहीं जा सकते. यस सर. ठीक है, अब सेकंड ईयर, ये ईयर वन था और मैं इसी से आगे इसको ईयर टू में कन्वर्ट कर देता हूँ. अब ईयर टू में यकीनन कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन फेयर वैल्यू गेन जो है वो हमारा 100,000 आएगा. अब बताइए कि नॉन करंट एसेट मेरा कितना होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी equal to 1.4 ये 1.4 million. great, यानी ये basically इसमें value आएगी. अब ये समझ आ गया point? yes sir. अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं question में. ये तो question खत्म हुआ तो मैं कह रहा हूँ एक दो जरा discussion कर लेते हैं. ये हिस्सा भी मैंने करवाना है, ठीक है, इसको अभी छोड़ दें. एक और एग्जांपल है डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्पोज करते हो, यानी देखें आपने एक्वायर किया हुआ है किस पर्पस के लिए, कि आप इसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा. अब पांचवें छठे साल जाकर आपको पता लगा कि ये प्रॉपर्टी जो है इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसको बेच देना चाहिए. अब जब बेचते हो उस पर जो गेन आता है वो गेन भी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है, तो मैं बजाय इस एग्जांपल को लेने के लिए मैं इसको एक, चले इसी को ले लेते हैं, वैसे उसी को कंटिन्यू कर रहा है. वो लिख रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन वाज सोल्ड अर्ली इन ईयर टू फॉर 1.55 million. ये बिल्कुल साल के शुरू में आप सेल कर रहे हो, ठीक है, साल के शुरू में. और आगे लिख रहा है जी सेलिंग कॉस्ट वर 50,000 और उस पर हमारी 50,000 रुपए कॉस्ट आ रही है. अमाउंट दैट वाज इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर ईयर टू इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल अंडर द कॉस्ट मॉडल. ये दोनों मॉडल है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू. सो इसी एग्जाम्पल में आते हैं. अब सिंपल इसको ये ले लो कि हमने 1550 में सेल की है. अब ये वाला हिस्सा जो मैंने बीच में सॉल्व किया जिस नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये सर समझाने के लिए मैंने किया था. अगर ऐसी सिचुएशन हो कि अगले साल फिर फेयर वैल्यू हो तो फिर हो. यहाँ वो कह रहा है कि आपने ईयर टू के स्टार्ट में सेल कर दी, एंड पे नहीं, स्टार्ट पे सेल कर दी और सेल की 1550, यानी सोल्ड एट 1550,000 रुपीस एट स्टार्ट ऑफ ईयर टू. ये उसने क्वेश्चन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन दी है इस एग्जाम्पल में. ओके, अब मैं दोनों सिचुएशन लेता हूं. अगर कॉस्ट मॉडल है, इफ कॉस्ट मॉडल वाज इन यूज, तो जब कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है तो हम पढ़ चुके हैं कि तो हमारी कैरिंग वैल्यू है 1004,000. ठीक है, तो हमारी कैरिंग वैल्यू क्या हुई बुक में? 1004,000. और इसकी इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं लूंगा क्योंकि ऊपर लिखा है स्टार्ट ऑफ ईयर टू. ठीक है, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है ना, तो कॉस्ट मॉडल में तो डेप्रिसिएशन होगी. लाइक अगर आप मिड ऑफ द ईयर सेल कर रहे हैं तो फिर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लेंगे पहले आप, वो लाजमन लेंगे. ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है आपने सेल्स वैल्यू से, कितने में सेल की. अच्छा, अब देखें वो ये कह रहा है कि आपने सेल की है 1550 में, ये मैं पहले यहां लिख रहा हूं, लेकिन वो ये भी हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि इस पे सेलिंग कॉस्ट 50,000 पे करनी पड़ी, यानी जब बेचते हैं तो तब भी तो कमीशन पे करनी पड़ती है ना. 50,000 हमने पे किया, हमने कितने में सेल किया? 1550 में नहीं, 1500 में, 1.5 million में. ठीक है जी, अब ये जो गेन आ रहा है दिस इज नोन एज गेन ऑन डिस्पोजल. और ये याद रखना है इसको सेपरेटली शो करना होता है. ये गेन ऑन डिस्पोजल कहां जाएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है, अब जब इस साल का एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा एसओसीआई का, ठीक है, अब मैं ये ईयर काट रहा हूं, इसको छोड़ देते शुक्र.
अब डेप्रिसिएशन तो आनी नहीं, बल्कि सिंपल लिखोगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। और कितना गेन आया, और ये गेन आया 496,000, वो यहां लिख दिया, दिस इज गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डिस्पोज कर दिया तो उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी होगी, वो अब दोबारा नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहां पर कॉस्ट मॉडल की बजाय रीवैल्यूएशन यानी फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा था, फेयर वैल्यू मॉडल वॉज इन यूज, फिर आप इस एग्जाम्पल के मुताबिक ये जो ऊपर हमने की थी ये फेयर वैल्यू मॉडल है, तो फेयर वैल्यू मॉडल में हम उसको 1.3 मिलियन पर ले आए थे, ये बुक से देख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 1.3 मिलियन आ रहा है। अब मैं कह सकता हूं कि मेरी कैरिंग वैल्यू जो है वो 1004 नहीं है फेयर वैल्यू मॉडल में, 1.3 मिलियन है, लेकिन हमने सेल कितने में किया, सेम वही वैल्यू, यानी सेल कर रहे हो आप 1.5 मिलियन में। तो अब जो गेन आएगा यकीनन वो कम होगा, दैट इज 2 मिलियन, दिस इज नॉन एन गेन ऑन डिस्पोजल, ये फेयर वैल्यू मॉडल में आ जाएगा। और इसमें जब मैं एक्सट्रैक्ट ऑफ एसोसिएशन बनाऊंगा सेम, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगी, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो ये हमारी 200,000 शो होगा, ठीक है। तो ये डिस्पोजल भी होती, क्योंकि आप किसी साल भी डिस्पोज करेंगे तो उसका भी जो गेन और लॉस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आमतौर पे इसमें गेन ही होता है, चूंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आपने होल्ड इसीलिए किया था कि आप इस पे गेन हासिल करें, तो ऑब्वियसली इस पे गेन ही होता है, ठीक है। बस आज इतना हिस्सा करवाऊंगा इसको, जो जितना हिस्सा ना, सिर्फ ये हिस्सा मैंने अभी छोड़ा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ये वाला पोर्शन और डिस्क्लोजर, बस ये दो चीजें मैंने छोड़ी। डिस्क्लोजर खैर इसका सेम है जो हमने पढ़ा है, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसको जरा अच्छी तरह रिवाइज करना जितना भी है, ये एग्जांपल को जरा देखना है, और जो मैंने लिखा है बुक से भी पढ़ो, और जो इसमें लिखा है उसको भी देखो, और जो चीज नहीं समझ आती तो कल के क्लास में, इवन बुक में कोई ऐसी स्टेटमेंट जो नहीं समझ आ रही तो आप मुझे बताओ, मैं बुक सामने रखूंगा और आपको डिस्कस कर लूंगा कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि कई दफा उसकी जो वर्डिंग है वो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज करती है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, ठीक है सर जी। प्लीज सर, वो आपने क्वेश्चन 3 दिया था हमें असाइनमेंट में सर, उसका एक पार्ट था वो एयरक्राफ्ट वाला सर, वो समझ नहीं आ रहा था। जी जी, मैंने अभी मेरा ख्याल आप क्लास में थोड़े से शायद लेट आए हो, मैंने अभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट की थी कि मैं आप जरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी लाहौर में, मैं इस वक्त लाहौर और आज शाम 5 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, तो दुआ भी कीजिएगा अल्लाह ताला बेहतर करे, तो इस वजह से मैं आपको वो भेज नहीं सका, वो मेरे पास हार्ड कॉपी है, मैंने फोटो लेके ना उसको पिक्चर भेजनी है, तो मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। बात बल्कि कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड करके ना उसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके रिकॉर्डिंग करके ना आपको भेज देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, अभी छोड़ के मत जाइएगा क्लास, अटेंडेंस